कर रही है। रुख करेंगे अगली खबर का, पटना से ही खबर है। जेडीयू कार्यालय पर महनार के लोगों ने प्रदर्शन किया है। महनार विधायक उमेश कुशवाहा की गाड़ी से एक्सीडेंट का आरोप है। दो युवाओं की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब न्याय की मांग कर रहे हैं महनार के लोग। पीड़ित परिवार के लोग पहुंचे हैं। परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजे की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि विधायक ने आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं किया, आर्थिक मदद नहीं दी और इलाज का भी आश्वासन दिया था लेकिन कुछ नहीं किया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। 29 मई को एक्सीडेंट हुआ था, तब से ये परिवार भटक रहा है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र बताएं, क्या मामला है ये जिसको लेकर हंगामा शुरू हो गया है? शैलेंद्र हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो जरा बताएं कि मामला क्या है? ये मामला ये है कि 29 तारीख को एक घटना हुई थी महनार में, जो उमेश कुशवाहा है, विधायक है, उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ था और उसी में एक बच्चे की तत्काल मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी आज सुबह उसका निधन हुआ है राजधानी पटना के एक अस्पताल में। और उसी बात को लेकर उनके परिजन है, वहां के कुछ लोग हैं महनार के, वो आए हुए थे, जो उनको लोगों को पता था कि जेडीयू ऑफिस में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन वो कार्यक्रम 4 बजे है, उसी को लेकर आए इसकी मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लगाने। और यहाँ पर उन लोगों ने एक तरह से कहें कि धरना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है, जो विधायक ने कहा था वो किया नहीं। उन्होंने कहा था हम इलाज करवाएंगे, हम मुआवजा देंगे, हम आप लोगों से लगातार संपर्क में रहेंगे, लेकिन जब से घटना हुई 29 तारीख के बाद उसके बाद विधायक ने उनकी सुधरी नहीं ली। तो साफ तौर पर है कि वो नेग्लिजेंस कर रहे थे, विधायक ने जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ उस समय विधायक गाड़ी में मौजूद थे, उसके बाद भी उन्होंने किसी तरह की कोई मदद नहीं की और यही गुस्से की वजह है इन लोगों की। साफ तौर पर इनका कहना है कि अब जब दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है, उनके परिजन है और वो किस तरह से उनकी रोजी रोटी चलेगी, क्योंकि वो अपने घर के जो है एक तरह से कहें कि एक बच्चा जो है वो ही कमाने वाला था, उसकी 4 बहनें हैं, उसकी माँ है, उनका कैसे परिवार चलेगा, तो यही चिंता है, यही चिंता लेकर लोग आए हुए हैं और ये लगातार यहाँ पे मांग कर रहे थे। और जेडीयू की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं आए, लेकिन पुलिस के क्या उनका कहना था कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, आप हमसे बात करिए। और जब आश्वासन उनको मिला तो उसके बाद ही उन लोगों ने जो अपना ये कहें आंदोलन है या प्रदर्शन है उसको रोका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप शैलेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। तो इन लोगों की नाराजगी है कि विधायक की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, दो युवकों की मौत हुई है और इस मामले में न मुआवजा मिला है न किसी तरह की मदद दी गई है। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए।